नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा द्विवेदी मुंबई से हूँ। मैं सर जे जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ाती हूँ और मैंने ये कोर्स ALP अक्षय लग्न पद्धति ये कोर्स को का बेसिक पूर्ण किया है। बेसिक कोर्स को मैंने पूर्ण किया है तो इस कोर्स में हम देखेंगे कि अक्षय लग्न पद्धति, जैसा कि नाम है, जो हमारा लग्न है वो हर 10 वर्ष में बदलता रहता है। तो जो हम जन्म से अपने लग्न को लेके आते हैं, जो कुंडली लेके आते हैं, उसके हिसाब से हमारे हर 10 वर्ष में कैसे होंगे वो हम इस अक्षय लग्न पद्धति के हिसाब से देख सकते हैं। उसमें जो ग्रह होते हैं उस समय, जो ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति होती है, उसके हिसाब से हम जन्म लेते हैं और वो ग्रह हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेके आते हैं और क्या क्या चीज़ों से हमको सावधानी रखनी चाहिए वो हमको पहले से सतर्क कर देते हैं। तो देखा जाए तो जो ये अक्षय लग्न पद्धति है ये बहुत ही कारगर पद्धति है, जिसमें हमको पता पड़ जाता है पहले से कि कौन सा समय अच्छा आने वाला है या कोई समय अगर कठिन आने वाला है तो भी हम उसके लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं। ये अक्षय लग्न पद्धति के माध्यम से हमने जो भी भविष्यवाणी की है वो कारगर सिद्ध हुई है, जिनके बारे में भी। तो मैं समझती हूँ ये जो पद्धति है ये काफ़ी सटीक है, जिसमें हम अपने आप को अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, कैसे उसको लेके चलें कि अगर हमारे को कोई कठिनाई आ रही है तो हम पहले से सतर्क होकर उस सावधानी को बरतते हुए आगे बढ़ें। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे अधिपति हैं, उनके ग्रहों के अधिपति जो हमारे नक्षत्र हैं, उनका ज्ञान हमको इस पूरे कोर्स में, इस पूरे कोर्स में बहुत अच्छे से मिला है। जो हमारी 12 राशियां हैं उनके बारे में, उनके स्वामी कौन हैं, उनके अधिपति कौन हैं और वो हमारे जीवन को कैसे चला रहे हैं, क्योंकि जो हमारी राशियां होती हैं वो जन्म के समय ही तय हो जाती हैं। तो और उसके माध्यम से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और इन सब के पीछे हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे मेंटर्स रहे हैं इस कोर्स में, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस सरल पद्धति को हमारे समक्ष लाने के लिए उनका काफ़ी योगदान रहा है। और मैं अपनी मित्र गीता सुधाकर जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी वजह से हमें ये कोर्स में दिलचस्पी आई और उनकी वजह से मैंने ये कोर्स पूरा किया। तो हमारे जो भी गुरु रहे हैं, श्रीमती विजया लक्ष्मी, श्री उमा शंकरन जी, श्री वेंकटेश जी और चाणक्य जी को तो हम बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं, जिनके सूत्रों से, जो आप बोलते हैं कि सुबह उठना, सबको आगाह करना कि अभी क्लास है, अभी आ जाइए, तो उनका योगदान तो निसंदेह ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सभी ने हमें बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। और मेरे जो साथीगण थे, मिस्टर हरी और मिसेस साधना पाठक जी, जिनके प्रश्नों की वजह से, इसमें यह है कि जितने ज़्यादा प्रश्न होंगे उतने ज़्यादा हमें पता पड़ेगा कि किस ग्रह की स्थिति कैसी है और उसका हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस पूरी टीम को धन्यवाद। और ये क्लासेस, जो कक्षाएं होती हैं, ये बहुत जल्दी होती हैं, 4:30 बजे से 6:30 बजे तक सुबह क्लासेस, कक्षाएं होती हैं, जो कि एक ब्रह्म मुहूर्त है, जिसमें उठने से सभी को एक एकाग्रता का जो आपको मिलता है, एकाग्र करने का अपने मन को, अपने जीवन को का उद्देश्य है। और उस एकाग्रता से जब हम अभ्यास करते हैं तो हमको बिल्कुल शांत वातावरण में चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कक्षाएं करना, उसमें किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है और बहुत अच्छे से ये कक्षाएं, कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं पड़ता है। इसके नियम जो ये बताते हैं इस कक्षा में बहुत सरल हैं, जो उन नियमों को हम किसी कुंडली पर देखते हैं तो पता पड़ता है कि सिर्फ इतना देखने भर से ही आपको
काफी कुछ किसी की कुंडली के बारे में पता पड़ जाता है और अपने जीवन को सुंदर एवं सटीक बनाया जा सकता है। तो मेरी सभी से यह अनुरोध है कि आप भी इस कोर्स को करें और अपने परिवारजनों को और औरों को, औरों के जीवन को सुंदर बनाने का भरसक प्रयास करें। धन्यवाद बहुत बहुत।